वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वांडर विद शहरिया चैनल के साथ मैं आज हाजिर हूँ। ये है मोती बाज़ार शालमी के साइड पे जो है, यहाँ पे आज आपको मैं दिखाऊंगा बेहतरीन खूबसूरत शूज़ जो लेडीज़ के हैं फैंसी वाले। यहाँ पे शॉप के ऑनर हैं, इनसे बात करते हैं, आपको बताएंगे कि क्या प्राइस और कितनी क्वांटिटी आप मिनिमम ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल आपका? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान। आपका नाम? रियाज मलिक। भाई ये बताएं कि यहाँ पे जो शूज़ हैं ये बड़े खूबसूरत लगे हुए हैं माशाल्लाह। मैं तो शुक्रिया बहुत कम देखे हैं ऐसे, क्योंकि हमारा तो मुझे तो मेरा तो काम नहीं है, लेकिन मैं ये ढूंढता हूँ ऐसी चीज़ें कि क्योंकि मेरे व्यूज़ जो होते हैं वो मोस्टली लेडीज़ हैं ज़्यादातर सब्सक्राइबर, तो मेरी बहनें माशाल्लाह वो ऐसी चीज़ें देखनी पसंद करेंगी। ये बताएं कि इसकी प्राइसेस क्या है? अरे भाई जहाँ आप खड़े हैं ये मोती बाज़ार जी, ये शूज़ की होल सेल की मार्केट है जी। यहाँ हर एक काम बचकाना भी काम है, यहाँ जेंट्स का भी कारोबार है, लेडीज़ का भी कारोबार है, तो बहुत बड़ी मार्केट है ये, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है शूज़ मार्केट। यहाँ क्वालिटी वाइज हर चीज़ आपको मिल सकती है, अच्छी से अच्छी भी और हल्की से हल्की भी, मगर जो अच्छे दुकानदार हैं जो अच्छी चीज़ बेचने वाले उनमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। हर दुकानदार कहता है कि मेरा दूसरे से माल भी खूबसूरत हो, स्टाइल भी नया हो, जिद्दत भी नई हो, तो इसी तरह हम भी उसी में ही शामिल हैं। मेरी दुकान का नाम है फिट राइट शूज़ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी देर से यहाँ काम कर रहा हूँ। कितने साल से? मुझे यहाँ तकरीबन 9-10 साल हो गए माशाल्लाह। तो मेरा ये काम फैंसी लेडीज़ का है, तो मेरी कोशिश होती है कि आए दिन कोई ना कोई नई चीज़ हो, जिद्दत वाला माल हो, और सबसे बड़ी बात ये है कि म्यारी भी हो जी।
आजकल का महंगाई का ज़माना है, तो इसमें अगर आपको किसी चीज़ को मेयार नहीं देंगे ना, तो फिर आपका वो कस्टमर नहीं बन सकता ये। हाँ जी, वो तो ऐसे ही कह ले कि आप ठगबाज नहीं हम कहलाना चाहते जी, एक अपना नाम पहचान करवाना चाहते हैं। तो कोशिश यही होती है कि एक चीज़ मेयारी हो, एक उसमें जिद्दत हो, स्टाइल नया हो, डिज़ाइन नया हो। पीछे रहेगी भाई रेट की बात, तो रेट जूते के साथ, जैसा जूता वैसा उसका रेट होता है। वैसे हमारी कोशिश होती है कि रेट भी ठीक हो और जूता भी मेयारी हो। मेरे पास कम अज़ कम 700 से लेकर 1000-1200-1500 रुपये तक जूता होता है, महंगे से महंगा, महंगे से महंगा 1200 रुपये तक, और 600 से शुरू होता है। और एक पीस तो नहीं मिलता ना? एक पीस यहाँ नहीं मिलता, यहाँ होती है 12 जोड़े की एक आइटम होती है। तो कम अज़ कम जो दूर से ख़रीदार आते हैं या जहाँ से भी कोई भी आता है, वो 6 जोड़े कम अज़ कम लेता है। 6 जोड़े में पूरे साइज़ मिलते हैं आपको, इसमें 6 भी है, 7 भी है, 8, 9, 10, 11 तक ये साइज़ होते हैं मुकम्मल इसके। 6 जोड़े से कम यहाँ कोई भी सेल नहीं कर सकता ये। अगर 6 जोड़े में एक जोड़ा किसी को दे दिया जाए तो वो 5 जोड़े रह जाए, 5 जोड़े बाकी दुकानदार ख़रीदना नहीं चाहता। तो 6 जोड़े लेने हो तो क्या 6 डिफरेंट तरह के जोड़े नहीं मिल सकते, या एक ही जोड़ा 6 साइज में? एक ही डिज़ाइन के 6 जोड़े और एक ही रंग के 6 जोड़े, एक ही डिज़ाइन के और एक ही रंग के 6 जोड़े मिलेंगे यहाँ। यानी कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ से हम, जैसे कोई लेडीज़ में कोई मेरी बहनें जैसे कोई बाय करना चाहती हैं, वो आपसे ज़्यादा क्वांटिटी में बाय कर लें और वो ऑनलाइन सेल कर दें? नहीं, जिस तरह आपने मेरी वीडियो बनाई है, या आप यूट्यूब पर आप भी एक ऑनर हैं, तो इस तरह एक पहले भी वीडियो बनी थी, तो उसमें यही मसला बना था कि काफ़ी लड़कियाँ मेरे पास दुकान पर आ जाती थी, या रात को कॉल करती या दिन कॉल करती थी कि हमें अंकल जी एक जोड़ा मिल सकता है। तो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ, अगर कोई भी मेरी बहन हमसे को ख़रीदना चाहे तो वो कम अज़ कम 6 जोड़े, आगे उसकी मर्ज़ी की बात है कि 6-7 बहनें आपस में डिवाइड कर सकती हैं या कज़न है वो डिवाइड कर सकती हैं, मगर 6 जोड़े से कम हमने सेल कर। अच्छा, तो अगर वो जैसे आपसे, आपके पास ये कीमत जो है 600, ये आगे मार्केट में जाके क्या कीमत में बिकते हैं? हालात के मुताबिक तो ऐसे ही है कि ये जूता जो कारोबार है ना, ये असूलन तो इसका यही बनता है कि जूते के साथ जूता जी। अगर 600 का कोई जूता ले जाता है तो वो 1200 रुपए का सेल करे, मगर बाद दुकानदार ऐसे नहीं करते, वो कहते हैं 300-400 नफ़ा मिल जाए ठीक है। तो इतना ही है, जो 600 को ले जाएगा वो 40-50 रुपये खर्चा पड़ जाता है जी। कोई 1000 का बेच देगा, कोई 950 का बेच देगा, ये आगे कस्टमर की पर डिपेंड करता है, उसका दुकानदार पर डिपेंड करता है कि उसकी लोकेशन कैसी है दुकान की, लोकेशन के मुताबिक वो अपने चीज़ की सेल करता है। चले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे। जजाक अल्लाह।